सावन के रिमझिम फुहारों के बीच अब सभी को इंतजार है राजाधिराज महाकालेश्वर के नगर भ्रमण का, जब प्रजा अपने राजा का दर्शन कर जीवन को धन्य करेगी। इस बार महाकालेश्वर 7 बार नगर भ्रमण पर निकलेंगे। हर भ्रमण में बाबा की पालकी जैसे आगे बढ़ेगी, भक्तों की आस्था हिलोरे लेगी। हर कोई महाकाल के अद्भुत रूप के दर्शन कर अपने मन को तृप्त करेगा। हर यात्रा के पहले राजा के स्वागत वंदन के लिए भक्त तोरण द्वार लगाकर फूलों की वर्षा से उनका स्वागत करेंगे। बाबा महाकाल की इन नगर भ्रमण सवारी के दौरान दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अपने महाराजाधिराज के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। प्रतिवर्ष इन सवारियों के दौरान भक्तों और महाकाल के बीच घंटों ऐसा अटूट प्रेम बिखरता है कि उज्जैयिनी धाम अपने अलौकिक स्वरूप में दिखाई देती है। लगता है भक्त और प्रभु एकाकार हो गए हों। इस बार राजाधिराज महाकालेश्वर महाराज अपनी प्रजा को दर्शन देने और उनका हाल जानने निकलेंगे जरूर, लेकिन संभव है कि कोरोना संक्रमण के कारण भक्त सैलाब मार्ग पर कम ही नजर आए। संभव है कि सवारी में पुजारी, प्रशासन और पुलिस अधिकारी ही शामिल हो। यहाँ आप देख सकते हैं कि कब कब प्रभु अपनी प्रजा को दर्शन देने निकलेंगे। इस बार सावन माह के 5 सोमवार और भादव मास के 2 सोमवार बाबा महाकाल की सवारी निकलेगी। ये थी हमारे उज्जैन ब्यूरो चीफ मनीष ठेपते की महाकाल भक्तों के लिए विशेष रिपोर्ट। तो दोस्तों, हम सभी को इंतजार रहेगा हमारी पालनहार बाबा महाकाल के नगर भ्रमण का। राजाधिराज महाकालेश्वर से जुड़ी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रेडियो इंदौर।